मिनी ट्रैक्टर ट्रॉली मिनी पेट्रोल पंप। एक गांव में पन्नालाल नाम का एक मिस्त्री रहता था। वो बहुत प्रतिभाशाली था। घर बनाते समय इंजीनियर्स भी पन्नालाल के पास आकर सलाह लेते थे। वो हमेशा अपने काम में ही मगन रहता था। वो जो भी पैसे कमाता था, कोई उससे मांगता तो उसे दान में दे देता था। पन्नालाल की पत्नी रोहिणी, अरे गांव में सबके लिए अब बढ़िया घर बनाकर देते हो और हमारे रहने के लिए इस झोपड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है। और 2 महीनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, तब अपने सारे घर में पानी भर जाएगा। अब जरा उस अशोक को तो देखो, उसकी उम्र आपके अनुभव से कम है। उसने 2 साल पहले मिस्त्री का काम शुरू किया था और तभी वो 2 मंजिलों का मकान बना चुका है। अभी अभी उसकी पत्नी ने आकर गृह प्रवेश के लिए निमंत्रण देकर गई है। लगता है जिंदगी में हम इतना बड़ा घर कभी नहीं बना सकते। हाँ, सब मेरी किस्मत है। तब पन्नालाल, तुम्हें कितनी बार कहा है रोहिणी कि यूं रोना धोना बंद करो। अरे बारिश के मौसम के लिए 2 महीने है ना कोई बंदोबस्त करता हूँ। पन्नालाल जो घर बना रहा था उसके लिए ईंट सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर विक्रम से जाकर उसने सारी बात बताई और फिर विक्रम से, भैया ये मेरे खुद के घर के लिए है, जरा देखकर कुछ ईंट भेजना मेरे घर। तब विक्रम, भाई साहब आप अपना घर बना रहे हैं तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। मैं यूं ही सड़क पर आवारा घूम रहा था, आपने मुझे काम दिया और आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ। मुझे बताइए भाई साहब आपको कितनी ईंट चाहिए, मैं 10 दिनों में ईंट तैयार करके भेजता हूँ। तब तक ट्रॉली में रखे हुए इन ईंटों को आपके घर के सामने डलवा देता हूँ। घर जाकर पन्नालाल रोहिणी से, क्यों अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। तब रोहिणी, क्या घर के सामने थोड़े ईंट डलवा कर कहते हो कि मेरी इच्छा पूरी हो गई? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तब पन्नालाल ने जो विक्रम से बात की वो सब रोहिणी को बताया। ये सुनकर रोहिणी बहुत खुश हुई। उस रात को पन्नालाल को अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी और वो अपने नींद से जागा। थोड़ी देर बाद आवाजें बंद हो गईं। अगले दिन सवेरे जब पन्नालाल ने जाकर देखा तो उसे लगा कि ईंटें कम हो गई हैं। दूसरे दिन भी आधी रात को पन्नालाल को कुछ आवाजें सुनाई दी। सवेरे उठकर देखा तो उसे लगा कि कुछ ईंटें और कम हुई हैं। पन्नालाल ने ये बात रोहिणी को बताया। रोहिणी, क्या हमारे घर के बाहर पड़े हुए ईंटों को कोई ले जा रहा है? अरे सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, मुझे नींद आ रही है, आप मुझे डिस्टर्ब ना करो, कहकर लेट गई। उस रात को पन्नालाल बिना सोए जागता रहा। आधी रात होते ही उसे फिर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पन्नालाल ने खिड़की से झांक कर बाहर देखा। उसने देखा कि उसके घर के बाहर कुछ लिलीपुट मिनी ट्रैक्टर में ईंटों को लेकर जा रहे थे। पन्नालाल ये देखने के लिए कि ये कर क्या रहे हैं उनके पीछे पीछे जाने लगा। वो लिलीपुट एक जंगल के रास्ते से एक पहाड़ के पास जा पहुंचे। उनके वहां पहुंचते ही पहाड़ में से एक दरवाजा खुला। ये सब लिलीपुट ट्रैक्टर के साथ उस दरवाजे के अंदर चले गए। पन्नालाल भी उनके पीछे पीछे चला गया। पन्नालाल के अंदर जाते ही वो दरवाजा बंद हो गया। कुछ दूर जाने के बाद पन्नालाल को छोटे छोटे घर दिखाई दिए। वहां बहुत सारे लिलीपुट जमा हुए थे, उनके बीचों बीच एक ईंटों का ढेर था। ये लिलीपुट जो ईंट पन्नालाल के घर से ट्रैक्टर में लेकर आए थे उन्हें उस ढेर में डाला। पन्नालाल गुस्से में, तुम सब कौन हो, चोरी करने के लिए तुम्हें मेरी ही ईंट मिले थे, चुपचाप मेरे ईंट मुझे लौटा दो। तब लिलीपुट में से एक व्यक्ति, पन्नालाल जी जरा शांत हो जाइए, मैं इस लिलीपुट राज्य का महाराजा हूँ, हम अपना एक नया राजधानी बनाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे राजधानी का निर्माण के लिए आपसे ज्यादा काबिल व्यक्ति कोई और नहीं है। आपको यहाँ बुला लाने के लिए ही हमने इन ईंटों की चोरी की थी। आप हमारे लिए एक ईंटों वाला राजधानी का निर्माण करें। ईंटों के राजधानी का निर्माण का नाम सुनते ही पन्नालाल का गुस्सा मानो एकदम ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत घर बनाना शुरू किया।
उसने लिलीपुट के आकार के अनुसार एक ही तरह के छोटे छोटे घर बनाकर उन्हें दिया। उसने ईंटों के सड़क, ईंटों का बना ट्रैक्टर ट्रॉली, पेट्रोल पंप सब का निर्माण किया। उसने लिलीपुट के यातायात के लिए कई तरह के ईंटों के वाहन भी बनाए। उसने 2 महीने के अंदर अंदर एकदम ईंटों वाले बढ़िया सा राजधानी बनाकर दिया। लिलीपुट के महाराज ने पन्नालाल के कारीगरी को देखकर उसकी खूब प्रशंसा की। लिलीपुट राज्य के युवराज ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में मिनी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरकर अपने दोस्तों को साथ पन्नालाल को भी ट्रैक्टर में बिठाया और सारे राज्य का चक्कर लगाया। सब लिलीपुटों ने ताली बजाकर पन्नालाल का अभिनंदन किया। लिलीपुट के महाराज ने उस ट्रैक्टर ट्रॉली भर सोना देकर पन्नालाल का अभिनंदन किया। महाराज के दिए हुए उस सोने के साथ पन्नालाल ने एक आलीशान घर का निर्माण किया। रोहिणी ये देखकर बहुत खुश हुई।